नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सखी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पाइसी और स्पेशल टाइप की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें इन्ग्रीडियंट्स क्या चाहिए होंगे। हरी मिर्च 6, लहसुन की कलियां 12, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 1 कच्चा आम, सरसों का तेल 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया का पत्ता 1 गुच्छा और ज़ीरा लगभग आधा चम्मच, ये इतनी चीज़ें हमको चाहिए होंगी। और अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि हमें कैसे बनाना है। और एक हमें चाहिए होगा लोहे का तवा लेंगे। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, लेकिन लोहे का तवा या कढ़ाई लेंगे तो उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम एक तवा ले लेते हैं। ये मैंने लोहे का तवा ले लिया है, गैस ऑन है, और अभी इसको हम हीट कर लेंगे। हीट होने के बाद हमको इसमें डालना है ऑयल, लगभग 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, जितना अधिक मात्रा में आप इंग्रेडिएंट्स लेते हैं उस हिसाब से आपको ऑयल डालना है। तो मैंने ये 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हीट हो जाएगा तो अभी हम इसमें, मैंने मिर्ची के टुकड़े करके रख लिए थे, मैं उसको डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, हरी मिर्च कड़वी वाली होगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्च के बाद ये मैंने अदरक कटे हुए टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में कर रखी थी, वो डाल दिए हैं। लहसुन डाल दिया है और ये 1/2 चम्मच ज़ीरा, और हरा धनिया हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट के डालना है, बारीक नहीं डालना है, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको धीमी धीमी आँच पे सॉटे कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और नमक डाल देंगे अभी हम इसमें। नमक डालने के बाद ये हमारा जितना मटेरियल है ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा 2-1 बार और चलाएंगे, मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक देना है। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देंगे ढक करके, और फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा चटनी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो रेडी हो जाएगा। सो ये देखिए, आप इसे किसी कटोरी की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं, या आप इसे खलबट्टे में डालकर कूट सकते हैं, मिक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कूटते हैं तो इसका दरदरा फ्लेवर जो मुँह में आता है वो बहुत टेस्टी लगता है। फ़िलहाल मैं इसे कूट ले रही हूँ खलबट्टे में। और हमें चाहिए होगा एक उबला हुआ आम, और उसको मैश करके उसका गुदा हम निकाल लेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी चटनी मसाले वाली, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना, मतलब टेक्सचर इसका कितना रिच सा आया है, बहुत टेस्टी ये बनेगी। आप आम की जगह टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। चटनी को बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप तवे का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लेम का बहुत ध्यान रखिएगा और तब बनाइएगा। और ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी, कैसा फ्लेवर था।